अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल दोस्तों का? ठीक ठाक हैं। ये मेरी वीडियो पूरी देखिएगा और देखिएगा कि ये लोग कैसे एक मुशक्कत से और मेहनत से काम करते हैं और इतने ख़तरनाक रोड से ये ट्रैवल कैसे करते हैं। मैंने वीडियो बनाई है, देखिएगा ज़रूर, ताकि आपको पता चले कि ये लोग कैसे, जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं, बर्फ़बारी में वो कैसे सर्वाइव करते हैं। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। जी दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं जनवरी से केल की तरफ। तो ये मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, बहुत ही डेंजरस रास्ता है और बहुत ही एडवेंचरस समझने के रास्ता है ये वाला। तो अभी क्योंकि मैं गाड़ी में हूँ, गाड़ी में बोल नहीं सकता था, इसलिए मैंने वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये तकरीबन जनवरी से तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है केल का। तो ये बड़ा, आप आए हैं जनवरी आएँ या किसी भी जगह पे आएँ, तो सेफ्टी मेजर जो वो आप अपना ख्याल लाजमी रखें, क्योंकि इन चीज़ों में तो मेरे ख्याल से आने का कोई मकसद नहीं है आपको।
कि 3 दिनों बहुत बर्फबारी होती है, पर मौसम का कोई पता नहीं होता कि मौसम कब ख़राब हो जाए। और इधर के लोग जो हैं वो यही कहते हैं कि जी लाहौर का फैशन और कश्मीर का मौसम, इसका कोई भरोसा नहीं है कि कभी भी तब्दील हो सकता है। ये वीडियो मेरी पूरी देखिएगा, आपको मज़ा आएगा इस वीडियो में, क्योंकि अभी मैं गाड़ी वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो गाड़ी में मुसाफर वगैरह बैठे होते हैं, मेरे से मैं नहीं बोल सकता या बात नहीं कर सकता था। मैंने कहा चलो अभी टाइम है मेरे पास वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग का, तो मैं वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग करके मैं गाइड को बता दूँ ये जो हमारा सफ़र है। आगे देखिएगा आगे जीप कैसे निकाली है, एक जगह पर जीप मारी, आगे चढ़ाई थी काफ़ी ज़्यादा, रास्ता भी बड़ा ख़राब था, और भाई ने बड़ी स्ट्रगल करके बड़ी मेहनत करके और ऐसे जीप निकाली है, जैसे क्या बात है, पर मज़ा आ जाता है। तो आप मेरी वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी मज़ा आए, आप भी इंजॉय करें।
ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵ ਫਾਈਨਲੀ ਹਮ ਖਤਰਨਾਕ ਰਾਸਤੋ ਸੇ ਹੋਤੇ ਹੋਤੇ ਕੇਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਬ ਆਜ ਰਾਤ ਹਮ ਇਧਰ ਠਹਿਰੇਂਗੇ ਫਿਰ ਆਗੇ।